दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार और आज मैं आपको लेके चलता हूँ वृंदावन। अभी देखते हैं हम वृंदावन, अभी निकले हैं, अभी फरीदाबाद होते हुए निकल रहे हैं वृंदावन की तरफ। तो आप वृंदावन आप आसानी से पहुंच सकते हैं अपने कैब से भी, अगर ज्यादा दूर हैं आप तो अपनी फ्लाइट से भी। आप आगरा तक की फ्लाइट है जो आगरा से वृंदावन का 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बाई ट्रेन अगर कहें ट्रेन से भी आप वृंदावन में बाकी बिहारी जी के दर्शन करने निकलते हैं तो मथुरा तक ट्रेन आती है, वहां से 15 किलोमीटर दूर है। अपनी कैब से भी आ सकते हैं, अब दिल्ली से कुछ डायरेक्ट बस भी चल रही है उनसे भी आ सकते हैं। अभी एक्चुअली आपने देखा होगा कि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो अभी मास्क तो अभी जरूरी भी है। और मेरे साथ हैं, मेरे पास दोस्त हैं मिस्टर सचिन। अब देखते हैं कि आज हमारा सफर और हमारा ब्लॉग आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ खास तौर से वृंदावन का, वो कितना हम कहाँ कहाँ दर्शन कर पाते हैं। और ये तो राधा रानी और बाकी बिहारी की कृपा है, देखो हम कहाँ तक किन किन मंदिरों पे जाते हैं। प्लानिंग हमारी है, सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और देखते हैं अभी हम राधे राधे। और अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी वगैरह के पूरे लेके, जैसे अभी चेकिंग, काफी चेकिंग है पीछे हरियाणा बॉर्डर पे। और आप अगर आप इस रोड पे आपको इस आसानी से आपको इजिली पेट्रोल पंप है काफी थोड़े तो 2-4 किलोमीटर की दूरी पे, और सीएनजी भी आपको यहाँ मिल जाती है आसानी से। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है सचिन? ठीक है हम ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम पहुंचेंगे। हमारा जो प्लानिंग है इस तरह से प्लानिंग है कि हम सुबह के जो टाइम पे दर्शन करें आगे बिहारी जी के, शाम को हम कुछ और मंदिर देखें, और आपको पूरा मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप जाएंगे। हम NH2 पर मानेसर से, गाजियाबाद से और कोंडली कलम से भी हम आ सकते हैं, और सीधे यहाँ से वृंदावन हम निकल सकते हैं। और ये देखिए कि बोर्ड यहाँ पे सामने लगे हुए हैं कि यहाँ से भी आप कनेक्ट करके आप आ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं टोल पर, जैसा बताया था कि एक जो टोल पड़ता है उसमें हम पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं, और हमारा अभी क्यू में हम खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं कितना ट्रैफिक है। और संडे का टाइम है, मैं जैसे मैंने बताया था वीकेंड में काफी लोग जाते हैं, देखिए कितने। और ये तो फास्ट टैग है, आप देख पाएंगे फास्ट टैग की लाइन में इतना क्यू है, इट मीन्स कई लोग जा ही रहे हैं क्योंकि। और देखेंगे दिल्ली की गाड़ियां, हरियाणा की गाड़ियां हैं, और काफी राजस्थान गाड़ियां तो सारी सब मथुरा की तरफ निकल रही हैं। और ये टोल हमारा फास्टैग के थ्रू हमारे पास जो मैसेज आया वो 110 रुपए वन वे से। और अब निकलते हैं आगे बांके बिहारी मंदिर के लिए, निकल चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी मार्केट इतना सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे ई रिक्शा अगर आप वहाँ से करते हैं सिर्फ रिक्शा वाले आपसे 10 रुपये भी लेते हैं। सुबह का टाइम है और ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, अभी से लगी है दर्शनों के लिए। छोटी छोटी गलियाँ हैं, राधे। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग मंदिर खुलने का समय क्या है, गर्मियों में सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शाम को 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 4:30 बजे से शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे अभी टाइम से पहले अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अभी क्या है कि कुछ ये जो कोरोना का लॉकडाउन कोरोना की वजह से कुछ लोग अभी अंदर हैं, तो कुछ एक एक पार्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग पहले गए हैं, अभी हम दूसरी शिफ्ट में जाने वाले हैं। बैठे हमने अब परमिशन ले रखी है अंदर की, मैं आपको अंदर का व्यू भी पूरा वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, आपको दर्शन भी कराऊंगा। मेरे वीडियो के साथ बने रहें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कितनी कितनी की भैया? ये वाली रेड वाली है, और ये सफेद वाली। तो अब यहाँ पे Thank you.
मैंने परमिशन ली और आपको मैंने वहाँ के बिहारी जी के दर्शन कराए, और मेरे वीडियो को आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।